महिंद्रा की ओर से आने वाली एक ऐसी गाड़ी लाए दोस्तों आज आपके लिए, जो कि आप हर एक तरीके से यूज कर सकते हैं, पैसे कमाने हो, अच्छी खासी जो है पीछे जो है आपको लोड बॉडी सामान रखने के लिए वो दी गई है, लोड कैरिंग कैपेसिटी भी अच्छी खासी है 1000 kg की, और लोगों को बिठा के ले जाना हो, एज आ पैसेंजर्स जो है इसे यूज करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं, 4+1 ड्राइवर, आप जो है टोटल 5 लोग इसमें बैठ के जा सकते हैं। तो आज बात करेंगे बोलेरो कैंपर गोल्ड ZX के बारे में, इसका सबसे टॉप एंड वेरिएंट आता है, फीचर्स भी काफ़ी अच्छे लगे यार इसमें मेरे को, सेंटर रिमोट लॉकिंग दे दी यार, आपको AC भी दे दिया गया है, जो कि बहुत कम ऐसे कॉमर्शियल व्हीकल में आपको देखने को मिलता है। तो फटाफट से बात करते हैं, एक शोरूम जो रहती है इसकी 9,76,000 रुपये अप्रॉक्स, ऑन रोड जाते जाते ये 12 लाख में आपको मिल जाता है, बाकी एग्जैक्ट क्या प्राइस रहती है इसकी वो आप नियर बाय महिंद्रा के कोई से भी शोरूम से जाके पता कर सकते हैं। सबसे पहले तो बोलेरो जो लिखा है ना, पूरा लुक आपको बोलेरो ही वाला देखने को मिलता है, फ्रंट से आप देखेंगे कुछ ऐसा है, और साइड से आप देखेंगे अच्छी खासी जो इसकी लेंथ रहती है अगर आप देखें, क्योंकि देखो 5-सीटर भी इसे बनाया गया है, और साथ ही साथ जो है पीछे सामान रखने के लिए लोड बॉडी पूरी अच्छी खासी जो है डायमेंशन की यहाँ पर दी गई है। अभी बात करेंगे डायमेंशन की क्या रहती है, देखो सबसे पहले तो अच्छी खासी लेंथ इसकी रहती है, लेंथ और डायमेंशन की अगर मैं बात करूं, तो ओवरऑल जो इसकी लेंथ है वो आपको जो है देखने को मिलती है 4859 4859 जो है आपकी mm की जो है लेंथ रहती है। वहीं अगर जो है विड्थ की बात करें चौड़ाई की, तो जिसमें कि आपको इंटीरियर में जो है इसमें स्पेस मिलेगा, तो इसकी जो है आपको चौड़ाई देखने को मिलेगी 1670 mm की, और हाइट अच्छी खासी है 1855 mm की इसकी हाइट है। और वहीं अगर बात करिए इसके पीछे जो ये है दिया गया है, जिसमें कि आप सामान रखेंगे कभी कभी, या फिर जो है एज आ लोड बॉडी में 1000 kg जो है पेलोड कैपेसिटी इसकी रहती है, और कर्व वेट जो इसका रहता है 1735 kg का रहता है, तो अच्छी खासी जो है ऑन 4 फीट के आसपास आपको इसे प्रॉपर ये बॉक्स आपको जो है बना हुआ देखने को मिलता है, और इसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी खासी है, 1.5 फीट के ऊपर जो है इसकी जो है हाइट रहने वाली है। तो 1000 kg पेलोड के साथ में ये पूरा आप इसमें सामान आराम से रख पाएंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर सीटें देखें ना, सीटिंग कैपेसिटी देखिए, अंदर थाई सपोर्ट में कोई भी मतलब दिक्कत नहीं आने वाली, हाइट भी अच्छी खासी है, 6 फुट का भी बैठना चाहे यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं, मतलब मेरे ऐसे तो यहाँ पे 4 आराम से बैठ जाएंगे। एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं बड़े बड़े, फ्रंट में भी आपको प्रॉपर ये मिलेंगे इस तरीके से, काफ़ी अच्छा स्पेस अच्छा खासा रहता है इसमें। बाकी इंटीरियर में चलते हैं फटाफट से, अभी चलेंगे, सबसे पहले तो फीचर्स बता देता हूँ इसके मैं। फ्रंट में आपको जो है हेलोजन हेडलैम्प दी जाती है, यहाँ पर इंडिकेटर्स रहेंगे इस तरीके से, और साथ ही साथ क्रोम का वर्क यहाँ पे दिया गया है, बीच में आपको महिंद्रा का लोगो, नया लोगो भी आ जाता ना यार मज़ा ही आ जाता जो है कॉमर्शियल व्हीकल में। ये थोड़ा ग्रे टेक्सचर में है, यहाँ पर थोड़ा आपको जो है ये छोटी सी लैम्प भी दी गई है, ये पूरा मेटल में दिया जाता है, यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स प्रॉपर मिलेंगे, ये टो हुक पूरा आपको जो है देखने को मिलेगा सीधे चैसी पे माउंटेड। और साथ ही साथ फ्रंट में इंजन की अभी बात करता हूँ मैं, इंजन की करेंगे डिटेल में बात, क्या पावर क्या टॉर्क है। टायर प्रोफाइल की बात करें, अच्छे खासे जो है यहाँ पर ये देख सकते हैं टायर प्रोफाइल 235/75R15 की दी गई, स्टील लिम अच्छे खासे ड्यूरेबल रहते हैं, क्योंकि रफ एंड टफ चलना पड़ता है ये, तो रफ एंड टफ ट्रेन्स में चलने के लिए काफ़ी अच्छे खासे जो है यहाँ पर स्टील व्हील कैपेबल रहते हैं। बाकी ये शेड काफ़ी अच्छा लगा, ये ब्लैक में ना देखे थोड़ा रोज गोल्ड टाइप में दिया गया है, और टायर के जो ट्रेड्स काफ़ी अच्छे खासे डिज़ाइन के दिए गए हैं, साइड फुट स्टेप भी प्रॉपर आपको इसमें मिलेगा, प्रॉपर आपको ग्राफिक्स डिकैल्स प्रॉपर मिलने वाले हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और ORBMs पे देखिए, सिंपल सा ORBM जो मिलता है वही हाथ से एडजस्ट करना है, हाथ से ही फोल्ड करना है, 2 वाइपर 2 वॉशर यूनिट प्रॉपर जो है डेडिकेटेड दी गई हैं, और डोर हैंडल्स प्रॉपर इसमें आपको जो है ब्लैक कलर के दिए जाते हैं। अब देखो रियर व्हील ड्राइव रहती है, तो रियर व्हील ड्राइव अच्छा खासा जो है आपको कैपेबल, आपको जो है यहाँ पर जो रास्ते होते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव के कंपेरिजन में, रियर व्हील ड्राइव की जो है गाड़ी निकलने के थोड़े ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और फ्रंट में जो है इसमें नॉर्मल ऑयल टाइप सस्पेंशन है, रियर में जो है लीप स्प्रिंग आपको इसमें प्रॉपर देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं, और साथ ही साथ 57 लीटर की जो है पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी, वैसे तो इसमें डीजल टैंक है, पेट्रोल टैंक नहीं आता इसमें, पेट्रोल ऑप्शन में नहीं है ये, तो ये डीजल टैंक की कैपेसिटी 57 लीटर की है। पीछे जो है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 आपको जो है यहाँ पर लीप्स यूज की गई हैं इसमें,
जो है लीफ स्प्रिंग रियर में, इस तरीके से रियर स्पेयर व्हील यहाँ पे रहता है इसका। और रियर टेल लैंप्स नॉर्मल हेलोजन में ही मिलेंगी, रिफ्लेक्टर्स प्रॉपर यूज किए गए हैं, दो रिवर्स पार्किंग सेंसर, टायर के ट्रैक देख सकते हैं काफ़ी अच्छे लगते हैं यहाँ पर इस तरीके से, ये जो आप देख रहे हैं। और बाकी ऐसा कुछ रहता है रिवर में, रियर में आपको जो है पार्किंग सेंसर भी दिए गए हैं यहाँ पे, कुछ आपको जो है सामान जो है बांधना हो यहाँ से बांध सकते हैं, बड़ा भी करवाना हो इसे आप बड़वा करा सकते हैं, थोड़ा सेपरेटली जाएगा सामान, और पीछे खड़े होके भी लोग जाते हैं तो आराम से पकड़ के जो है जा सकते हैं। रियर में पीछे देखने के लिए पूरी ग्लास विंडो दी गई है यहाँ पे। अब जरा इंजन की बात करते हैं फटाफट से, इंजन की क्या क्या पावर रहती है इसकी, क्या पावर क्या टॉर्क है। यहाँ से इंजन बोनट यहाँ से जो है खोलते हैं फटाफट से। तो इंजन जो रहता है इसमें 2.5 लीटर का डीजल इंजन, 4 सिलेंडर वाला M2DI, जो कि पावर जो प्रोड्यूस करता है ना 75 BHP की 200 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में। तो टॉर्क काफ़ी अच्छा खासा दिया गया। माइलेज की बात करी जाए, माइलेज वही इसका जो है 12 से 14 के आसपास रहेगा, अगर सारा कुछ लोड वोड भरा हो तब। बाकी पहाड़ों की मैं इतनी माइलेज की बात नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ थोड़ी रोडें अलग होती हैं, ऑन हाईवे मान के चलिए आराम से 12 से 14 का आपका इसमें मिल सकता है। प्रॉपर इसमें पैडिंग भी दी गई है इंसुलेशन के लिए। तो ये रहता है इसका जो है इंजन वे। अब चलते हैं ज़रा इसके इंटीरियर सेक्शन की ओर, इंटीरियर में चेक करते हैं ज़रा फीचर्स क्या क्या जो है इसमें दी गए हैं। एक बड़ी अच्छी चीज़ ये देखिए, सेंटर रिमोट लॉकिंग दे रखी है यार इसमें मिंडा की, फ्लिप की के साथ में, जो कि बहुत रेयरली जो है ऐसे व्हीकल्स में जो है देखने को मिलती है। तो ये देखिए यहाँ से प्रॉपर ये लॉक हो गया, यहाँ से अनलॉक कर लीजिए। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मेरे को इसमें, जो कि इसमें सेंटर रिमोट लॉकिंग चाबी दी गई है। हेडलाइट की बीम यहाँ से जो है एडजस्ट करेंगे, और यूरिया डालने का कोई झाड़ी नहीं है, रीजनरेशन प्रॉपर यहाँ पे दिया गया, यहाँ से आप रीजनरेशन इसमें कर सकते हैं। इंटीरियर का काफ़ी अच्छा जो है कलर लगा, थोड़ा वुडन टेक्सचर ये ब्राउन के कॉम्बो में, यहाँ पे आपको जो है सारा हार्ड प्लास्टिक में दिया गया है इस तरीके से, ये नॉर्मली जो है मैनुअली खोलने का। टायर प्रेशर प्रॉपर आपको जो है यहाँ पे मेंशन है, तो ये बहुत लोग जो है यहाँ पर इतना जो है इसके बारे में सोचते नहीं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि प्रेशर जितना अच्छा होगा टायर जो है उतनी जल्दी कम घिसेंगे और माइलेज आपकी जो है मेंटेन रहेगी। और यहाँ पे सीटें थोड़ा वही सेमी लेदरेट, जो आर्टिफिशियल लेदर या रैक्सिन जो भी कहेंगे वैसी कुछ रहती, चौड़ी चौड़ी सीटें काफ़ी अच्छी हैं इसमें, जो कि काफ़ी अच्छी लगी मेरे को। बाकी इंटीरियर में बैठने फटाफट से, तो यहाँ जो है ऐसा रहता है इसका पूरा इंटीरियर, ये है इसका इंटीरियर। यहाँ से जो है पूरा बुलेरो वाला ही मीटर कंसोल है यहाँ, अगर आप देखें ध्यान से। अगर स्टेयरिंग की बात करूँ, पावर स्टेयरिंग है इसमें, और ये जो है यहाँ पर हेडलैम्प के वाइपर के स्टॉक्स, यहाँ से जो है आरपीएम मीटर यहाँ देखने को मिलेंगे, स्पीडोमीटर एज अ डिजिटली, यहाँ से जो है टेम्परेचर का, यहाँ से जो है फ्यूल का, और बाकी बैटरी, इंजन, आपको ऑयल, ये सारी जो है लाइटें इसमें देखने को मिलती हैं। ये हैजार्ड लाइट का स्विच हो गया, यहाँ पे बुलेरो में आता है TPMS, इसमें नहीं दिया गया है। बाकी AC भी मिल जाता है, ये देखिए भर्राटेदार AC, और ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मेरे को, थोड़ा डार्क ब्राउन में लाइट ब्राउन का कॉम्बो बहुत अच्छा जच रहा है। बाकी ये ग्लव बॉक्स का साइज, 12 वोल्ट का एक पावर आउटलेट, और ये रहता है इसका जो है गियर लीवर, 5 स्पीड का है। अब जानते ही आप, थोड़ा कॉमर्शियल व्हीकल का ऐसी जो है टेढ़ा मेढ़ा आपको देखने को मिलता, मतलब नॉर्मली जो पैसेंजर व्हीकल्स होते हैं कारों के, उनसे थोड़ा अलग रहता है, रफ एंड टफ यूज करना पड़ता है इन्हें, तो इस तरीके से ये रहेगा। तो अब जाके ये न्यूट्रल में हो गया, तो ये 5 स्पीड का आपको देखने को मिलेगा। ये इसका जो है आपका पार्किंग ब्रेक, चारों पावर विंडो मिलती हैं यार इसमें, ये भी बड़ा सही लगा, चारों पावर विंडो दी गई हैं। ऊपर आपको डे नाइट IRVM, ये भी बहुत सही चीज़, सनवाइज़र ये नॉर्मली आपको दिए गए हैं, पीछे आपको लाइट मिल जाएगी, तो ऐसी कुछ रहती है इसकी लाइटें। तो मेरे को तो यार, जो पहाड़ों के लिए लेना चाहता है, रफ एंड टफ चलना पड़ता है थोड़ा, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा मेरे को ये। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो, महिंद्रा की ओर से आने वाले ऑल राउंडर व्हीकल बोलेरो कैंपर गोल्ड ZX के बारे में। लेकिन एक चीज़ यार इसमें ये आपको जो है थोड़ी सुनने में अजीब सी लगेगी, कि ये आपको ना पर्सनल यूज के लिए, मतलब जो वाइट नंबर प्लेट होती है उसके लिए नहीं मिल पाता है, येलो नंबर प्लेट में कॉमर्शियल यूज के लिए जो है आपको इसमें लेना पड़ेगा। और एक शोरूम बताई मैंने, ऑन रोड जाते जाते 11.5-12 लाख का ये मिल जाता है, कहीं कहीं शायद कह रहा हूँ मैं शायद, लेकिन कन्फर्म थोड़ा बहुत है कि ये येलो नंबर प्लेट में ही कॉमर्शियल यूज पे ही मिलती है। तो यही थी आज की वीडियो दोस्तों, मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ में।